हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द फॉलोइंग जनरल एनास्थेटिक हैज़ पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन इथर ऑक्साइड हेलोथेन आइसोफ्लूराइन इनमें से कौन से जनरल एनास्थेटिक का पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन होता है तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड का ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हैज पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन नाइट्रस ऑक्साइड हैज ए गुड एनालिस्क बट अ पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी सो तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फिनोबार्बिटल रिफाम्पिसिन फिनीटॉइन ऑल ऑफ दी अबाव इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवस के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव फिनोबार्बिटल रिफाम्पिसिन एंड फिनिटॉइन ये सभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवस के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि ये तीनों है एंजाइम इंड्यूसर इसलिए ये ओरल कॉन्ट्रासीप्टिवस के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन The antipsychotic drug most likely to cause ocular toxicity on long-term use is thioridazine, haloperidol, fluphenazine, pimozide. The antipsychotic drug most likely to cause ocular toxicity on long-term use. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, thioridazine. Thioridazine can cause eye damage on long-term use. Thioridazine का लॉन्ग टर्म यूज आई डैमेज कास्ट कराता है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंट लूप डायोरेटिक इज पोटेंट लूप डायोरेटिक फ्यूरोसेमाइड अमिनोफाइलिन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मेटोलाजोन कौन सा होता है पोटेंट लूप डायोरेटिक तो पोटेंट लूप डायोरेटिक होता है फ्यूरोसेमाइड ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर फ्यूरोसेमाइड लूप डायोरेटिक्स में आता है और ये एक्ट करता है लूप ऑफ हेनले पे ठीक है लूप डायोरेटिक्स एक्ट करते हैं लूप ऑफ हेनले पे देन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है थायजाइड डायोरेटिक और ये एक्ट करते हैं डिस्टल ट्यूबुल पे मेटोलाजोन भी है थाजाइड डायोरेटिक ठीक है थायजाइड डायोरेटिक्स में आते हैं क्लोरथायाजाइड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इंडापेमाइड क्लोरथैलीडोन एंड मेटोलाजोन ठीक है देन लूप डायोरेटिक्स होते हैं फ्यूरोसेमाइड टोर्सेमाइड एंड व्यूमेटानाइड देन पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक कौन से होते हैं तो स्पायरोनलैक्ट्रॉन ट्राइमटेरिन एंड एमिलोराइड ठीक है और एक क्लास आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर इसमें आता है एसिटाजोलामाइड एंड ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स होते हैं यूरिया एंड मैनिटॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय ब्रोमहेग्जिन प्रोपरानोलॉल प्रेडनीसोलॉन साल्बुटामॉल तो प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कॉज कराता है प्रेडनीसोलॉन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर प्रेडनीसोलॉन कॉज करता है प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा पिलोकार्पिन एट्रॉपिन एसिटाइल कोलिन न्योस्टिगमाइन तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं पिलोकार्पिन का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है पिलोकार्पिन एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एजुकेशन रेगुलेशन्स आर लेट डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेट डाउन बाय तो ये हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेट डाउन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटी डायोबिटिक हॉर्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल मेडुला एंटेरियर पिटूटरी पोस्टेरियर पिट्यूटरी तो एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन सीक्रिट होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर द एंटी डायोरेटिक हारमोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी एंटी डायोरेटिक हॉमोन होता है वैसोप्रेसिन और ये सीक्रेट होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी से देन एड्रीनल कॉर्टेक्स सी्रिट करते हैं ग्लूको कॉर्टिकॉयड मिनरल एंड सेक्स कॉर्टिकॉयड एड्रीनल मेडुला से सीक्रिट होता है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हॉर्मोन होते हैं ग्रोथ हॉर्मोन प्रोलैक्टिन एल एच एफ एस एच थायरोड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड ए सी टी एच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए ड्रग यूज टू ट्रीट कार्डियक अरिदमिया इज कोकेन सिंकोकेन क्विनाइन क्विनेडिन तो कार्डियक अरिदमियस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं क्विनेडिन का ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर क्विनेडिन होता है एंटी अरिदमिक ड्रग के क्लास वन ए में क्लास वन ए में आते हैं क्विनेडिन प्रोकेनामाइड डिसोपिरामिड ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर एंटी एंटीअरिदमिक ड्रग के क्लास वन में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास टू में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स इसमें आते हैं इस्मोलॉल प्रोप्रानोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल क्लास थ्री में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें आते हैं आइबुटिलाइड डोफेटिलाइट ब्रेटिलियम एमियोडैरॉन एंड क्लास फोर में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसके एग्जाम्पल्स है डिल्टियाजम एंड वेरापेमिल ये क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल एंड कोकेन होता है लोकल एनास्थेटिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग इफेक्टिव इन बायपोलर इलनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओलांजेपाइन डायजेपैम सोडियम वाल्प्रोएट लैमोट्रीजिन ड्रग इफेक्टिव इन बायपोलर इलनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट पूछा है इनमें से कौन सा ड्रग बाइपोलर इलनेस में नहीं देते तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डाइजेपैम डायजेपैम इज नॉट इफेक्टिव इन बायपोलर इलनेस डाइजेपेम मूड स्टेबिलाइजर नहीं है इसलिए ये बाइपोलर इलनेस में इफेक्टिव नहीं है ठीक है ये ओलानजापाइन है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड सोडियम वालप्रोएट एंड लेमोट्रीजिन है एंटी इपिलेप्टिक्स और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक और कुछ एंटी इपिलेप्टिक्स ड्रग का मूड स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट होता है इसलिए इसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देते हैं ठीक है थीके? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग सेफेलोस्पोरिन्स मोनोबैक्टम्स कार्बापेनम्स ऑल ऑफ दी अबाउ। तो बिटाल एक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन से ड्रग आते हैं तो इसमें आते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन देन मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनम्स सेफेलोपोरिन्स मोनोबैक्टम्स कार्बापेनम्स ऑल ऑफ दी अबाउ। ऑप्शन डी विल बी ऑर करेक्ट आंसर बिटाल एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसीलिनिन सेफेलोस्पोरिन मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग दैट कैन कॉज कार्टिलस डैमेज इन चिल्ड्रन इज कोट्रिमोक्साजोल पेनिसिलिन सिप्रोप्लॉक्ससिन मेट्रोनिडाजोल तो इनमें से कौन सा ड्रग कार्टिलेज डैमेज करता है चिल्ड्रन में तो ये होता है सिप्रोप्लॉक्सिन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर सिप्रोप्लॉक्सासिन कैन कॉज कार्टिलेज डैमेज इन चिल्ड्रन इसलिए इसे चिल्ड्रन्स में नहीं देते सिप्रोप्लॉक्ससिन होता है फ्लूरोनोलॉन एंड सिप्रोप्लॉक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफॉइड फीवर में फ्लोरोकिनोलॉन होता है सिप्रोप्लॉक्सासिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पासड इन 1930 थर्टी ठीक है देन फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था 1948 में पास हुआ था फार्मेसी एक्ट देन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फोर्टी मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नाइनटीन सेवेंटी वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एंटी माइक्रोबियल शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज टेट्रासाइक्लिन कोट्रीमोक्साजोल सेफेलेक्सिन इथमब्यूटॉल तो कौन सा एंटी माइक्रोबियल होता है जो लीवर डिसीज के पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं तो ये होता है टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर लीवर डिसीज के पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओंडेन सेट्रॉन इज इफेक्टिव इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ वोमिटिंग सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड रेडियोथेरापी इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव ऑल ऑफ द अबव तो किस टाइप के वोमिटिंग में ओंन सेट्रॉन इफेक्टिव होता है तो ओन्डेन सेट्रॉन क्या होता है तो ये फाइव एसटी थ्री रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ओंडेन सेट्रॉन होता है फाइव एसटी थ्री रिसेप्टर ब्लॉकर और ये सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव इन तीनों टाइप के वोमिटिंग में इफेक्टिव होता है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबाव नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज डॉक्सीसाइक्लिन फ्यूरोसेमाइड निस्टाटिन सिमेटिडिन तो कौन सा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डॉक्सीसाइक्लिन होता है बैक्टेरियोस्टैटिक फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायोरेटिक निस्टैटिन क्या है तो निस्टैटिन होता है एंटीफंगल ड्रग एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है निस्टैटिन निस्टैटिन नेटामाइसिन हेमाइसिन एम्पोटेरिसिन बी ये सभी होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक ठीक है सिमेटिडिन होता है एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट रेनेटिडिन सिमेटेडिन फेमोटिडिन ये सभी होते हैं एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स अल्फा अल्फाग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स सल्फोनिलल यूरियाज नन ऑफ दी अबव विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स इनमें से कौन सा क्लास है जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से जो इंसुलिन सीक्रेट होता है उसे स्टिमुलेट कराता है तो पैनक्रियास से इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं सल्फोनिल यूरियाज ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर सल्फोनिल यूरियाज स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स ठीक है सल्फोनिल यूरियाज में कौन से कौन से ड्रग आते हैं तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं टोलबुटामाइड क्लोरप्रोपामाइड सेकेंड जनरेशन में आते हैं ग्लाइपीजाइड ग्लाइक्लाजाइड ग्लाइमिप्राइड ग्लाइबेनक्लामाइड ठीक है और ये सभी इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं बाइक्वानाइड्स क्लास में कौन से ड्रग आते हैं तो फेनफॉर्मिन मेटफॉर्मिन ये होते हैं बाइग्वानाइड्स अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स कौन से होते हैं अकारबोज मिग्लीटोल वोग्लिबोस ये होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स ठीक है देन बाइक्वानाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो बाइग्वानाइड्स ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं बायग्वानाइट्स फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दी रूट बाई विच विटामिन बी ट्वेल्व शुड नेवर बी गिवन इज द रूट बाई विच विटामिन बी ट्वेल्व शुड नेवर बी गिवन औरल इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस इंट्रावेनस तो इनमें से कौन सा विटामिन बी ट्वेल्व का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो विटामिन बी ट्वेल्व को आई वी इंजेक्शन से नहीं दिया जाता क्योंकि आई वी इंजेक्शन से विटामिन बी ट्वेल्व एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज कराता है इसलिए दिस रूट शुड नेवर बी एम्प्लॉयड ऑप्शन डी विल व्यर करेक्ट आंसर दी रूड बाय विच विटामिन बी ट्वेल्व शुड नेवर बी गिवन इज आई वी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस टोलबुटामाइड एसिटोहेक्सामाइड टोलाजेमाइड फेनफॉर्मिन इनमें से कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कराता है तो किसका साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिडोसिस तो ये कॉज कराता है फेनफॉर्मिन ऑप्शन डी विल ब्यूअर करेक्ट आंसर फेनफॉर्मिन कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस फेनफॉर्मिन आता है बाइग्वानाइड्स क्लास में और यह कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस ठीक है टोलबुटामाइड होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया और यह डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थाइरयड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है यह डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थाइरॉयड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोपैराथरॉयडिज्म इज पैराथॉर्मोन कैल्शियम लैक्टेट विटामिन डी पेमिंट्रोनेट तो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइपो पैराथाइरोडिज्म में तो हाइपोपैराथायरोडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस होता है विटामिन डी ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन इसलिए यह ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइपोपैराथायरोडिज्म में और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल एंड कैल्सिट्रायोल मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन होता है रिकेट्स में विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल और ये मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन होता है रिकेट्स में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया ग्लाइसेमिया हाइपो मैग्नेसेमिया हाइपो फॉस्पेटेमिया हाइपो कैलेमिया तो बीटा टू एगोनिस्ट का एडवर्स इफेक्ट होता है हाइपो कैलेमिया ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हाइपो कैलेमिया नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉज ऑफ़ बेरी बेरी इज़ ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ़ विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी टू विटामिन बी वन विटामिन ए द कॉज ऑफ़ बेरी बेरी इज़ ड्यू टू डेफिशियसी ऑफ तो किस विटामिन की डेफिशियंसी से होता है बेरी बेरी तो ये होता है विटामिन बी वन यानी कि थायमिन के डेफिशियंसी से थायमिन विटामिन बी वन के डेफिशियंसी से होता है बेरी बेरी विटामिन बी ट्वेल्व होता है साइनोकोबोलामाइन एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है अनेमिया मेगालोब्लास्टिक अनेमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व से विटामिन बी टू होता है राइबोफ्लेविन एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है चिलोसिस एंड ग्लॉसिटिस विटामिन ए होता है रेटिनॉल डेफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोपथैलमिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैलोमाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड डैश फेरिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो क्या होता है कैलामाइन तो कैलामाइन होता है मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर फेरिक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है कैलामाइन एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज वन ट्रायल फेज टू ट्रायल फेज थ्री ट्रायल फेज फोर ट्रायल तो क्या होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग तो इसे कहते हैं फेज फोर ट्रायल ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग होता है फेज फोर ट्रायल नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग्स नॉट पोजेसिंग ए नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स लिथियम एरिथ्रोमाइसिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स तो इनमें से किसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स नहीं होता ड्रग नॉट पोजेसिंग ए नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स तो एरिथ्रोमाइसिन रिलेटिवली सेफ होता है कंपेयर टू दी अदर ड्रग्स हैव लो थेराप्यूटिक इंडा सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर एरिथ्रोमाइसिन डज नॉट पोजेस ए नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स एरिथ्रोमाइसिन आता है माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का तो यह होता है इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोजोमल थर्टीएस सब यूनिट ये राइबोजोमल थर्टीएस सब यूनिट पर प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं कौन माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रग एक्सक्रीटेड इन सलाइवा इज टेट्रासाइक्लिन्स साइक्लिन लिथियम क्लोराम फेनिकॉल तो कौन सा ड्रग है जो सलाइवा से एक्सक्रीट होता है तो ये होता है लिथियम ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर लिथियम एंड हैवी मेटल्स सलाइवा एंड स्वेट से एक्सक्रीट होते हैं लिथियम एंड हैवी मेटल्स एक्सक्रीटेड होते हैं सलाइवा एंड स्वेट से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म नंबर फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग ट्वेंटी वन ट्वेंटी एटीन नाइनटीन तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग के रिटेल सेल्स के लिए तो ये होता है ट्वेंटी वन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ट्वेंटी वन होता है फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग ठीक है एंड ट्वेंटी होता है ड्रग्स अदर देन सी सी वन और सी एंड सी वन के होलसेल के लिए होता है ट्वेंटी वन बी ट्वेंटी वन बी होता है शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स के होलसेल के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज मम्स मीजल्स रूबेला डिप्तेरिया तो कौन सा होता है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन तो ये होता है डिप्थेरिया ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डिप्थेरिया होता है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ये मिजल मम्स एंड रूबेला ये तीनों होते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन लाइव एटेनोटेड वैक्सीन्स होते हैं मिजल्स मम्स रूबेला स्मॉल पॉक्स देन चिकन पॉक्स वेरिसला जोस्टर इन्फ्लुएंजा येलो फीवर ये सभी होते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन्स ठीक है देन बी सी जी वैक्सीन होता है लाइव बैक्टेरियल वैक्सीन एंड इट इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस बेसिली कैलमेट ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है और ये लाइव बैक्टेरियल वैक्सीन होती है बीसीजी नेक्स्ट क्वेश्चन थैराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फिनेटॉइन मेटफॉर्मिन टैक्रोलिमस साइक्लोस्पोरिन तो मेटफॉर्मिन का लो थेरापटिक इंडेक्स नहीं होता इसलिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता इसलिए मेटफॉर्मिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल यर करेक्ट आंसर मेटफॉर्मिन का लो थेरापेटिक इंडेक्स नहीं होता इसलिए थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता ठीक है मेटफॉर्मिन होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बाइवन क्लास में आता है मेटफॉर्मिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग वैक्यूम ड्राइंग स्प्रे ड्राइंग ट्रे ड्राइंग तो ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर एंड फ्रीज ड्राइंग होता है एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम प्रिपरेशंस के लिए ठीक है ट्रे ड्राइंग होता है क्रूड ड्रग्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्टिव सेरेटोनिन री अपटेक इज मियानसेरिन डॉक्सेपिन फ्लोक्जेटिन एमोक्सापाइन सिलेक्टिव सेरेटोनिन रीअपटेक इनिबीटर तो इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव सेरेटोनिन रीअपटेक इनिबीटर तो इनमें आते हैं सिटालोप्राम इसिटालोप्राम फ्लोक्जेटिन देन पेरोक्जेटिन फ्लोक्जामाइन सर्टालिन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एस एस आर में आते हैं फ्लोक्जेटिन पैरोक्जेटिन सिटालोप्राम इसीटालोप्राम पैरोक्जेटिन फ्लोक्जामाइन सर्टालिन ठीक है ये मियानसेरिन होता है टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड डॉक्सेपिन एंड एमोक्जपाइन होता है ट्राईसाइक्लिक डिप्रेसेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज एज एन एंटी एरेदमिक ड्रग इज डिल्टीआईजम एम्लोडिपिन क्लोनिडिन फेलोडिपिन तो इनमें से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो एंटी एरेदमिक ड्रग होता है तो ये होता है डिल्टियाजम ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर डिल्टियाजम एंड वेरापेमिल एंटी एरेड्मिक ड्रग के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास में आते हैं एंटी एरेदमिक ड्रग के क्लास फोर में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास थ्री में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास टू में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स एंड क्लास वन में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यूसॉल इज डैश यूरोप यूनिवर्सिटी सोल्यूशन ईस्ट कैरोना यूनिवर्सिटी सोल्यूशन डेटॉल सोल्यूशन एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन तो क्या होता है यूसॉल तो यूसॉल होता है क्लोरिनेटेड लाइम प्लस बोरिक एसिड सोल्यूशन यूसोल होता है क्लोरिनेटेड लाइम का बोरिक एसिड के साथ में सोल्यूशन और इसे बोलते हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यूसोल इज एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन ठीक है एंड डेटोल सोल्यूशन होता है क्लोरॉक्सीनॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग हैविंग ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर इज इपिनेफ्रिन इंसुलिन एफ एस एच कॉर्टिसोल एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कॉर्टिसोल कार्टिसोल हैविंग ए साइटोप्लाजमिक रिसेप्टर कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हॉर्मोन होता है विच हैज ए न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड कॉर्टिसोल होता है शॉर्ट एक्टिंग लूकोकॉर्टिकॉयड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दी फॉलोइंग ड्रग गिवन कॉनकरेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन फिनोबारबिटोन मेटोक्लोप्रामाइड क्विनीडिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इनमें से कौन सा ड्रग डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को एनहेंस करता है तो यह होता है क्विनिडिन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर क्विनिडिन वेन गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगोक्सिन क्विनिडिन डिगोक्सिन के प्रोटीन बाइंडिंग को रिड्यूस कराता है एंड ये डिगोक्सिन के रेनल क्लियरेंस को भी रिड्यूस कराता है जिससे डिगॉक्सिन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है कॉजिंग टॉक्सिसिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायामाइन इज मिथाइल जैथिन अमिनोफाइलिन इटोफाइलिन नन ऑफ दी अबव तो क्या होता है ए मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलिन डायामाइन तो ये होता है अमीनोफाइलिन ऑप्शन बी विल बी ऑर करेक्ट आंसर अमिनोफाइलिन होता है ए मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलिन डयाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन एजेंट यूज बोथ एज एन एंटासिड एंड लैगजटिव इज मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेशियम सल्फेट मैग्नेशियम नाइट्रेट मैग्नेशियम ट्राइसिलिकेट तो इनमें से कौन सा एजेंट यूज करते हैं एज एन एंटासीड एंड लैगजेटिव तो ये होता है मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंटाइसिड एज वेल एज लैगजेटिव एंड मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया देन मैग्नेशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट मैग्नेशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है इप्सम सॉल्ट एम जी एसओ फोर ट्वाइस सेवन एच टू ओ मैग्नेशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ठीक है और ये होता है सलाइन परगेटिव देन मैग्नेशियम ट्राई सिलिकेट होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेस हाइपोथारोडिज्म स्ट्रेप्टोमाइसिन इथियोनामाइड थियो एसिटाजोन इथम्ब्यूटॉल इनमें से कौन सा एंटीटीबी ड्रग है जो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है तो ये होता है इथियोनामाइड ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर इथियोनामाइड कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्पोटेरिसिन बी इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी न्यूरोटॉक्सिसिटी हेपैटोटॉक्सिसिटी बोन डिप्रेशन तो क्या होती है एम्पोटेरिसिन बी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी तो ये होती है नेप्रोटॉक्सिसिटी एम्पोटेरिसिन बी कॉज कराता है नेप्रोटोक्सिसिटी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर नेप्रोटॉक्सिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्पोटेरिसिन बी ठीक है एम्पोटेरिसिन बी आता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स में एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है एम्पोटेरिसिन बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इम्लिका ऑफिशनैलिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पुनर्नावा टर्मरिक आमला और तुलसी इम्बलिका ऑफिशिनालिस तो किसका बॉटनिकल नेम होता है इम्बलिका ऑफिशनैलिस तो ये आमला का बॉटनिकल नेम होता है ऑप्शन सी विल योर करेक्ट आंसर इम्बलिका ऑफिशनैलिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ आमला और आमला की फैमिली होती है यूफोरबीएसी पुनर्नावा की फैमिली होती है निक्टेजिनेसी टर्मरिक होती है हल्दी इसकी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी तुलसी की फैमिली होती है लेबियाटी ठीक है Okay, friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you.